टाइगर 3 के एक और वीडियो में आपका स्वैग से स्वागत है। टाइगर 3 के अगेंस्ट कितना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये देखकर मुझे बुरा भी लगता है और हंसी भी आती है, क्योंकि यार घमंड और झूठ को एक दिन हारना ही पड़ता है। पर कौन है जिसके कहने पर कुछ लोग सेम टू सेम बात बोल रहे हैं? कैसे एक फिल्म जिसकी IMDb रेटिंग 7 से ऊपर है, उस फिल्म को 5.9 की रेटिंग की फिल्म से खराब बताया जा रहा है? किसकी साजिश है सलमान के अगेंस्ट? इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा स्लो हो गई है, पर फिर भी टाइगर 3 सिर्फ 10 डेज में 400 करोड़ के क्लब के क्लोज आ चुकी है। तो इतनी नेगेटिविटी, वर्ल्ड कप के गेम्स, दिवाली की रॉन्ग रिलीज और इंडिया के वर्ल्ड कप हारने के बाद फिल्म तो छोड़ो यार, खाना खाने का दिल भी नहीं करता, पर फिर भी टाइगर 3 ठीक ठाक बिजनेस कर रही है। पर हेटर्स ने फेक कलेक्शंस बोलना स्टार्ट कर दिया है। कलेक्शंस का तो पता नहीं, पर तू खुद ही सबसे बड़ा फेक है। और बस एक यही नहीं, फिल्म की स्टोरी के अगेंस्ट भी झूठ फैलाया जा रहा है। वो भी कैसे लोग जिनको पठान की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। क्या ये इसलिए क्योंकि सिर्फ सलमान है जो SRK को टक्कर दे सकते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान का एंगल तो पठान में भी था। पठान के लिए तो यार तुम उछल उछल कर नाच नाच कर रिव्यू दे रहे थे, पर अब चिल्ला चिल्ला कर बोलते हो कि इंडियन स्पाई पाकिस्तान के PM को क्यों बचाएगा। अरे भाई कितना झूठ बोल लेते हो। ये तो बोल दिया कि पाकिस्तान के PM को बचाया, पर ये बात हाईलाइट नहीं की कि टाइगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि पाकिस्तान के PM को बचाना ही पड़ेगा। क्योंकि आतिश रहमान का प्लान ये है कि पाकिस्तान की PM का मर्डर कर दे और इल्जाम इंडिया और टाइगर पे लगा दे और खुद PM बन जाए। अब टाइगर को अगर यार इससे बचकर निकलना है तो एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के PM को बचा ले और आतिश रहमान के प्लान को एक्सपोज कर दे। अब अगर थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करो तो भाई इसमें टाइगर ने खुद को और इंडिया को बचाया और पाकिस्तान के एजेंट्स को एक्सपोज किया और ये दिखाया कि पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और अपने गलत कामों का इल्ज़ाम इंडिया पर लगाती है। और ये फिल्म में एक बार नहीं, काफ़ी बार दिखाया गया है। आतिश रहमान अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे को ऐसे ही मिशन में खो देता है, जहां वो पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट का मर्डर करके इल्ज़ाम रॉ पे लगाने का प्लान करता है। तो यार अब मुझे ये बताओ कि इसमें कहां पाकिस्तान को अच्छा दिखाया है? ये तो पाकिस्तान का एक ऐसा सच एक्सपोज किया गया है जो आज तक किसी इंडियन फिल्म ने नहीं दिखाया। और पाकिस्तान को बचाकर उनसे इंडियन नेशनल एंथम गवाकर फिल्म में ये दिखाया गया है कि बाप बाप होता है, बाप की रिस्पेक्ट करना सीखो। और एक पॉइंट ये भी बोला जा रहा है कि हर बार पाकिस्तान दिखाने की जरूरत क्या है। अरे भाई हॉलीवुड की ऑलमोस्ट हर स्पाई फिल्म में रशिया के अगेंस्ट स्पाई वॉर होती है, क्योंकि रशिया ही US का सबसे बड़ा एनिमी है। और सेम वे पाकिस्तान और इंडिया का स्पाई वॉर है। तो इंडियन स्पाई की स्टोरी में पाकिस्तान नहीं होगा तो क्या जापान होगा? पर जानबूझकर इन सब हेटर्स ने अपने रिव्यू में ये सब बातें नहीं बोली, या फिर झूठ बोला, या फिर आधा सच ही बोला। क्यों? आपको क्या लगता है क्यों कुछ लोग टाइगर 3 की स्टोरी को लेकर झूठ बोल रहे हैं? और किसने किया टाइगर 3 के खिलाफ साजिश? कमेंट्स में जरूर लिखें और ये वीडियो उनसे शेयर करें जो टाइगर 3 के अगेंस्ट झूठ सुनकर फिल्म देखने नहीं जा रहे, क्योंकि यार मेरे हिसाब से तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्पाई फिल्म है। काफ़ी नेचुरल एक्टिंग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन है फिल्म में। तो यार इस फिल्म को जाओ और एंजॉय करो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।